नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं भारत समाचार। क्या आपने कभी बिना पायलट के विमान को उड़ते देखा? हैरानी होगी सुनकर, लेकिन हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाएंगे कि युद्ध के मैदान में नियम बदलते देखे जा रहे हैं। अब आसमान में अब देखिए बिना पायलट वाले विमान को आप उड़ते देखेंगे, जो आसमान के देवता के बारे में अब देखा जा रहा है और बताएंगे भी आपको। आसमान में उतरा नया शिकारी, बमबारी वाला आसमानी देवता, बिना इंसान के उड़ता है, बिना पायलट के दुश्मन पर मंडराता है। झपटमार युद्ध का सबसे बड़ा खिलाड़ी, आसमान में आ चुका है नई दुनिया का नया फिदाइन। इसे न गिरने का डर है, न ही ध्वस्त होने की चिंता। ये आता है और दुश्मन का सर्वनाश करके चला जाता है। युद्ध के मैदान के सारे नियम बदलने के लिए आसमान में बिना पायलट वाला आसमान का देवता आ चुका है। दरअसल चीन ने अपने सबसे घातक ड्रोन बम्बर का सफल परीक्षण कर लिया है। चीन की तरफ से इसकी फुटेज भी रिलीज की गई है। ये मानव रहित विमान कई खूबियों से लैस है। ये ड्रोन दुश्मन की टोह लेने के अलावा हमलों को बखूबी अंजाम दे सकता है। इतना ही नहीं, इस ड्रोन में 10 तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं और ये करीब 35 घंटों तक उड़ान भर सकता है। इसमें हाई रिजोल्यूशन स्पाई कैमरे लगे हुए हैं और 7000 फीट की ऊंचाई से ये बड़ी आसानी से जानकारी जुटाने में सक्षम है। ये विमान बम से लेकर मिसाइल तक को लेकर उड़ान भर सकता है। ये ड्रोन ब्लू एरो 7 लेजर गाइडेड मिसाइलों से लैस है और ये मिसाइल हवा से जमीन पर वॉर करने वाली एक सेमी ऑटोमेटिक मिसाइल है। ये दुनिया की सबसे घातक एंटी टैंक मिसाइलों में से एक है। यह मिसाइल टैंक की धज्जियां उड़ाने में पूरी तरह से कामयाब है। यह विमान यानी YZ-212 जो कि एक लेजर गाइडेड बम है और YZ-102A एंटी पर्सनल बम और LS-6 मिनिएचर गाइडेड बम से भी लैस है। यह विमान अपने वजन से करीब 400 किलोग्राम अधिक वजन लेकर उड़ान भर सकता है। आपको बता दें कि भारतीय खुफिया एजेंसियां पहले ही चेतावनी जारी कर चुकी हैं कि सीमा पार स्थित कई आतंकी संगठन ड्रोन के जरिए आतंकी हमला कर सकते हैं, जिसके बाद भारत सरकार ने ड्रोन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की थी। खुफिया एजेंसियों ने अपने इनपुट में कहा था कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पाकिस्तान की धरती पर पल रहे आतंकी समूहों को पैराग्लाइडिंग के साथ ड्रोन ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दे रही है। ऐसे में चीन ने भी एक ऐसे खतरनाक ड्रोन का सफल परीक्षण कर लिया है जो चिंता का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। अब हम आपको इस ड्रोन की खासियत और ये ड्रोन क्या क्या कर सकता है, इन सब की जानकारी देंगे। रिपोर्ट देखिए। लड़ाइयों की कहानी बदल देता है आसमान का देवता। सबसे बड़ा स्पाई होता है ड्रोन। छोटा ड्रोन सबसे डेंजर हमला। ड्रोन जो नाम अक्सर आपके जहन में आता है, आए दिन आप उसकी खबरें सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर कभी पास से ड्रोन की ताकत और बनावट को समझने की कोशिश की है क्या? अगर नहीं तो हम आपको दिखा रहे हैं दुनिया के वो सबसे शक्तिशाली ड्रोन जो किसी भी तरह के फाइटर जेट से कम नहीं। इन ड्रोन में वो सारी खूबियां हैं जो एक बड़े फाइटर जेट में होती है। पहली दफा आप किसी ड्रोन के टेक ऑफ और लैंडिंग को देखेंगे। रनवे पर दौड़ लगाकर हवा में जाता ये ड्रोन हजारों मील का सफर तय करने का रखता है। अमेरिका, भारत, चाइना, फ्रांस और रूस जैसे देश अपनी सुरक्षा में ड्रोन विमानों का उपयोग करते हैं। ड्रोन विमानों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर किसी देश ने किया है तो वो अमेरिका है, जिसने तालिबान और ISIS के खिलाफ जमकर ड्रोन विमानों का इस्तेमाल किया है। अमेरिका ने अकेले पाकिस्तान में 409 हमले ड्रोन से किए और 2714 आतंकवादियों को मार गिराया है अब तक।
इन ड्रोन्स की खासियत की बात करें तो इन छोटे ड्रोन में बड़ी मिसाइलें ले जाने की कुव्वत होती है। दुश्मन पर छिपकर हमला करता है, आसमान में मंडराएगा लेकिन नजर नहीं आएगा। इसकी आंख से कोई आतंकी नहीं बचता। आतंक के ठिकानों का काल है ड्रोन। ड्रोन की ताकत कमाल की है। दुनिया की हर आर्मी अपने सैन्य जखीरे में ड्रोन को शामिल कर रही है। ड्रोन की खासियत है, इसमें न तो सैनिकों के मरने का डर होता है और न ही ज्यादा नुकसान की आशंका। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसे अपने बेस से ही ऑपरेट किया जा सकता है। सही समय पर सही टारगेट को चुनना, उसे लॉक करना होता है, उसके बाद बस एक धमाका और दुश्मन का काम तमाम। इस बदलती दुनिया में ताकत का नया सूरमा अगर कोई बन रहा है तो वो ड्रोन ही हैं, जिनकी मदद से किसी भी सैन्य ताकत को न तो अपने जवानों को खोने का डर होता है और न ही डर होता है पकड़े जाने का। ड्रोन अपना काम करके वापस आए तो आए, नहीं आए तो इन्हें वहीं पर खत्म किया जा सकता है। दुश्मन देश भी नहीं जान पाएगा किसका ड्रोन था और किस देश ने हमला किया था और किसने घुसपैठ की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो आगरा से खबर, जहां देखिए खेतों में मासूम बच्चे